हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटी ओपी नवा प्रेस प्रो के बारे में। ये स्कूटी मस्त स्कूटी है एकदम। ये स्कूटी मैं 2 महीने से लगभग यूज कर रही हूँ। चलिए इसका रिव्यू देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है ओपी नवा कंपनी की, और एज यू नो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो ये बैटरी से चलती है, और इसकी जो कैपेसिटी है बैटरी की वो 2 kWh की है, और इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज की गई है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 75 km/h की है, और इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम अब तक जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वो 80 से 85 किलोमीटर्स तक चलती है ये गाड़ी, ठीक है। और इसमें आपको 3 मोड्स मिलती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ई और एस। ई मतलब इको, आप अगर ऐसे स्विच करते हैं तो ये इको मोड में जाती है, और अगर ऐसे स्विच करते हैं तो एस मोड में जाती है जो कि स्पोर्ट्स मोड है। जो थर्ड मोड है वो है टर्बो। अगर आप देख पा रहे हैं ये टर्बो मोड, ये एक पंच है जो अगर आपको गाड़ी अगर आपको स्पीड में उड़ाना है, जैसे कि हाईवे में अगर आप चलाते हैं ये गाड़ी और आपको टॉप स्पीड जैसे कि थोड़ा सा और पंच चाहिए तो आप टर्बो मोड में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ओवरटेक करना है या और थोड़ा पंच चाहिए और थोड़ा आगे जाना है तो आप टर्बो मोड यूज कर सकते हैं। इको मोड में अगर आप चलाते हैं तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो है 45 km/h, और मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है 100 अप्रॉक्स 100। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है 65 to 70, और आपको जो मैक्सिमम रेंज है उस पर आपको मिलती है 80+। ये इसका फ्रंट लुक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। मैं इसको जला के देखने वाली हूँ। ये लेफ्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर। अब आप देख पा रहे हैं ये इसकी DRLs दी हुई है दोनों साइड में। और ये आप देख पा रहे हैं LED हेडलैम्प्स है, मैं जला के दिखाने वाली हूँ अभी। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये डिप लाइट है, और अब ये लो बीम और ये हाई बीम। फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में आपका डिस्क ब्रेक है। अब आप देख सकते हैं इसमें आपका जो गाड़ी का नाम है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बैक लाइट है, ये बैक लाइट है, और ये इंडिकेटर्स है। यहाँ पे पैर रखने के लिए एक जगह है, नॉर्मली जो लेडीज लोग पीछे साइड में बैठती हैं उनके लिए है, और ये नॉर्मल पीछे कोई बैठा है तो यहाँ पे पैर रख सकता है। अब मैं इसमें बैठ के दिखाने वाली हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल फुटबोर्ड जो है बहुत स्पेशियस है। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं आराम से पैर में रख पा रही हूँ, कंफर्टेबली आप ये गाड़ी चला सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सफिशियंट स्पेस है, कुछ कैरी आपको करना है आप यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, आप इसमें कुछ सामान अपना लटका सकते हैं। फिर अगर आप इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट से चार्ज करने के लिए मोबाइल यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं कॉन्सोल पे। आप देख सक रहे हैं यहाँ पे जो 0 दिखा रहा है वो आपका गाड़ी मतलब स्टार्ट है, और ये
ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका ओडोमीटर है, ये आपका ट्रिप मीटर है, और ये आपका ट्रिप टाइम है, और ये आपका बैटरी इंडिकेटर है, और ये जो आप नंबर 2 देख रहे हैं वो मोड्स के बारे में है। अगर आप इको मोड में जाते हैं तो आपका 1 दिखता है, स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो आपका 2 दिखेगा, और अगर आप टर्बो मोड यूज़ करते हैं तो आपका 3 दिखेगा। अब मैं आपको इसका की के बारे में बताऊंगी। ये आपका की है, इसमें आपको कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल दिया जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 4 मोड्स हैं। एक है लॉक करने का, एक अनलॉक करने का। ये आपका अलार्म है, जब अगर कोई अदर पर्सन आपका गाड़ी छूता है तो आपका अलार्म बजेगा, तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक फ्लैश खोल के एक बटन है, इससे क्या होता है, अगर आप बिना चाबी के गाड़ी ऑन करना चाहते हैं तो आप ये वाला मोड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये गाड़ी लॉक करूँगी। अब अनलॉक, अलार्म का तो आप जब अलार्म बजेगा तो उसको बंद करने के लिए मैं ये फ्लैश वाला बटन यूज करूंगी। तो आप देख पा रहे हैं बिना की के ये गाड़ी स्टार्ट है। आप देख सक रहे हैं इसका जो सीट है बहुत कंफर्टेबल है, आराम से दो जन आराम से बैठ सकते हैं। अब मैं इसका बूट स्पीड दिखाने वाली हूँ। ये रहा बूट स्पेस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बूट स्पेस जो है वो ना के बराबर है। ये एक ड्रॉबैक है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसको बैटरी दिखाने वाली हूँ अभी। ये बैटरी है, जैसे मैं बताई ये लिथियम आयन बैटरी है, उसको रिमूव करने के लिए आप इसको प्लग आउट करके इसको आप निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के आप इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। अब मैं दूसरा चार्जिंग पोर्ट दिखाने वाली हूँ, अगर आप घर पे नहीं चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक चार्जिंग पोर्ट है। आप देख पा रहे हैं ये एक चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से भी आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो है ये मेन पावर स्विच है, इसके जो बैटरी है वो IP67 है, मतलब वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ। और अगर ये गाड़ी अगर आप बारिश के मौसम में भी चलाते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो वाटर प्रूफ है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये था रिव्यू ओकिनावा प्लेस प्रो का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।